Hey everyone, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. सो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बात की थी कि मैं आपको म्यूजियम दिखाऊंगी, तो ये वीडियो थोड़ा लेट हो गई है, बट ठीक है. आज हम लोग म्यूजियम, इस दिन हम म्यूजियम गए थे, तो उस पर क्या है, ये सर्कल सा हम लोग यहाँ से अंदर एंटर कर रहे थे, तो देखो बाहर से ही हमें इतनी ग्रीनरी दिखी. ये फ्लावर्स पर्पल, पिंक, रेड, येलो, हर तरीके के फ्लावर्स यहाँ पे थे. और ये मैप दिया गया जिसमें कि हमें डायरेक्शन बता रखा है कि कैसे हमें जाना है. और फिर हम लोग गए अंदर की तरफ जहाँ की शॉप है, जिससे हमें अब यहाँ अंदर म्यूज़ियम जाने के लिए टिकट खरीदनी होगी. तो बस हम लोग पहले देख रहे थे, फिर हम लोग एंट्री शॉप पे गए, वहाँ पे हमने अपना टिकट लिया. तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं. उन्होंने वो काउंटर की जो लेडी है उनसे बात करी, फिर उन्होंने हमें टिकट दी. एक टिकट जो है 11 pound का था, तो दो टिकट हमारी जो है 22 pound की हो गई है, क्योंकि पर पर्सन 11 pound था, तो दो लोगों का 22 pound हो गया. तो यहाँ मेरे हस्बैंड टिकट दिखा रहे हैं, हैप्पी हैप्पी फेस. फिर यहाँ पे कुछ लोग पहले से ही बैठे हुए थे, और देखिए यहाँ पे कितनी बाहर से ग्रीनरी है. फिर सबसे पहले हम यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या था, ये तोप लगे हुए थे, तो हम लोग यहाँ पे इसे देख रहे थे. फिर यहाँ पे नून डे गन था, तो हम लोग उस साइड को गए. और ये सर्कल सा जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है. फिर हम लोग सीनियर से ही ऊपर को गए, तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे और डायरेक्शन देखे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग गए. और वैसे तो हमारे पास मैप भी था, और यहाँ पे हमें कुछ दिखा था ऐसे नीचे गड्ढा टाइप का, तो हमने सोचा देखते हैं. तो नीचे कुछ नहीं था, बस बंद, नीचे को कहीं रास्ता जाता है बट वो अब बंद है, शायद पहले खुला होगा तो उस दिन बंद था. तो बस फिर हम लोग वापस आ गए, फिर हम लोग दूसरी तरफ गए, फिर हम यहाँ पे आए जहाँ से कि बीच दिख रहा था इसके बैक साइड से. तो यहाँ पे क्या है, देखो बहुत ज़्यादा शांति थी, और यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगे थे, चेयर, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, बीच को देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा था. तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरी साइड गए, यहाँ पे हमें गार्डन मिला जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, ग्रीनरी थी, और यहाँ पे एक चूल्हा टाइप का कुछ बना था, फुहारा भी वहाँ पे रखा था. और आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर है, कितना प्यारा है. और फिर हम लोग यहाँ पे ऑफिसर क्वार्टर में गए, जो कि 1625 में बने. तो आप सोच सकते हैं उस टाइम पे भी कैसे बनाया होगा, बीच के साइड पे और पूरे पत्थरों से, तो और इतना सब सामान यहाँ पे रखा है, औजार या जो भी कह सकते हैं, तो सोचो कैसे बना होगा. बट जो भी है बहुत ज़्यादा प्रिटी है जो भी यहाँ पे रहता है. तो एक बार इस चीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूर ले, या कहीं पे भी किसी भी कंट्री में, हर कंट्री के म्यूज़ियम का एक बार ज़रूर से एक्सपीरियंस लेना चाहिए. और यहाँ पे पहले शायद जेल हुआ करता था, देन फिर हम लोग इससे आगे गए, वहाँ पे दीवार पे एक वॉच लगी हुई थी, तो बस हम लोग ऊपर की तरफ गए, क्योंकि पूरा ये बहुत काफ़ी बड़ा था. तो फिर हमें यहाँ पे और गार्डन मिला, मिनी गार्डन. यहाँ पे वेजीज भी लगे हुए थे, कद्दू आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पुदीना भी था, और गोभी का पेड़ था, आलू का पेड़ भी था, और प्याज या कुछ लहसुन के भी कलियाँ थी. और बस हम लोग ऐसे से देख रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, और ये तो पूरा ग्रीन ग्रीन लग रहा था. तो उसके बाद फिर हम लोग आगे तरफ गए फिर से, और फिर यहाँ पे हमें फूलों वाला गार्डन मिला, जहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल, पिंक, वाइट, ब्लू, हर तरीके के फ्लावर्स थे, और ग्रीनरी इतनी थी. ये अभी मैंने नोटिस की, ये जो फ्लावर्स है मेरे जंपसूट से मैच कर रहे हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा. फिर मैं इनके से खेलते हुए आगे बढ़ी. फिर हम लोग ऊपर गए जहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, अभी दीवार पे वॉल वॉच लगी है, तो हम लोग वहाँ पे गए, हमने यहाँ पे कुछ पिक्स क्लिक करवाई, देन हम लोग ऊपर से ही पूरा वीडियो ऐसे बना रहे थे चारों तरफ का, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था. और फिर यहाँ पे कबूतर शांत बैठा था, मगन, मैं उसको उड़ा दी और बस उड़ गया. फिर फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ से पूरा टाउन दिख रहा था, तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ से पूरा टाउन प्रिटी लग रहा है.
और फिर हम लोग दूसरी तरफ गए, तो फाइनली हम लोग पहुँचे म्यूज़ियम में। तो मेरे हस्बैंड बस म्यूज़ियम की तरफ चले, मैं उनके पीछे पीछे वीडियो बनाते हुए जा रही थी। बस अभी हम लोग म्यूज़ियम में एंटर कर ही रहे हैं, फिर हमें यहाँ पे इनका जो लड़ाई हुई थी तब का हमें यहाँ पे दिखे हैं। और फिर यहाँ पे जो है डिटेल में लिखा रहता है कि कब ये लड़ाई हुई थी और किसके साथ हुई थी। जैसे हमारे देश में ब्रिटिश लोगों का कब्जा था, वैसे इनके देश में भी था। तो बस वही चीज़ें यहाँ पे डिटेल में ली गई है। और यहाँ पे जो इनके कॉस्ट्यूम वगैरह थे, इनके जो हथियार थे, बंदूक वगैरह जो भी है, यहाँ पे सब कुछ थे। और इन्हें क्या किया था, ग्लास के अंदर ही सेफ्टी के साथ रखा गया था। आप ग्लास के बाहर दे सकते हैं, जैसे कि हम टच नहीं कर सकते। और फिर इसके अंदर लाइटिंग भी थी, तो सब कुछ क्लियरली दिख रहा था। और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप चाहो तो पूरा प्ले करके सुन सकते हो और देख सकते हो। एंड बट यहाँ पे लिखा था तो हम लोगों ने बस देखा उसको, पढ़ा उस चीज़ को। और यहाँ अंदर भी एक तोप रखा हुआ था। और फिर दूसरे तरफ यहाँ पे इनके जो ऑफिसर थे उनके कॉस्ट्यूम थे। और ये कुछ ट्रॉफीज़ थी जो कि इनको मिली थी उस टाइम पे, तो बस उसी का इतिहास इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ थी जो कि हमने पढ़ी, देखी, अच्छा था इसका एक्सपीरियंस हमारा ओवरऑल। तो बस फिर हम लोग दूसरे तरफ के वहाँ पे भी ऐसे बंदूक वगैरह रखी हुई थी इनकी, और ऐसे स्क्रीन पे प्ले करके आप सुन सकते हो, देख सकते हो। तो बस यहाँ पे एक मैप भी लगा हुआ था। और बस हम लोग आगे दे जा रहे थे, यहाँ पे कुछ कैप वगैरह और फिर वही कॉस्ट्यूम वगैरह इनके थे। और यहाँ पे तलवार शायद इसे हम कह सकते हैं वो था, और बंदूकें लगी थी एक साइड पे और उसके बारे में लिखा हुआ था। बस फिर आप फिर यहीं पे आ गई। इसमें भी लाइटिंग वगैरह थी, तो मेरे हस्बैंड बस लाइट ऑन कर रहे थे, जिस पे ना तीन बटन थे प्रेस करने थे, एक मैं थोड़ा कम, फिर दो मैं ज़्यादा, फिर तीन मैं ज़्यादा, तो वही कर रहे थे। और देख थोड़ा हमने उसके बारे में पढ़ लिया था वहाँ पे जो लिखा हुआ था। फिर हम लोग यहाँ पे ड्रम वगैरह भी रखे थे, वो देख रहे थे। आगे बढ़े फिर यहाँ पे हम दूसरे वाले म्यूज़ियम में गए। मतलब ये पूरा एक ही में था, जैसे अलग अलग रूम्स में बने थे ऐसा था। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट है, वो चीज़ें लगी हुई थी। और यहाँ पे वही इनके जो सिपाही थे या वो लोग का बनाया हुआ था इन्होंने। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ें देखी, उसकी चीज़ें पढ़ी क्या था। और फिर उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ को चले गए, क्योंकि इसके ऊपर क्योंकि तीन थे हैं इसके अंदर, एक तो अभी आपने पहले देख लिया, ये सेकेंड है, फिर थर्ड जो है इसके ऊपर है। तो ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स इन्होंने बना रखे हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे पहले तो दीवार पे इनके बारे में ही लिखा था कि जो इनका इतिहास था वो। और फिर आगे देखा तो यहाँ पे इनका एक और ऑफिसर था। और फिर वॉल्स पे पूरी हिस्ट्री, एंड फिर यहाँ पे जो एक और ऑफिसर थे उनका था। फिर हम लोग गए आगे की तरफ, तो यहाँ पे और लोग भी आए थे उस दिन, तो वो लोग वो तो मतलब यहीं के लोग थे शायद, मतलब ब्रिटिश लोग थे। एंड फिर यहाँ पे फिर थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे देख लीजिए फ़ोटो ऐसे बनाई हुई थी। तो ये पूरा उन्होंने पोस्टर अपना अटैच किया था। यहाँ पे एक सिपाही और है, एंड ये एक पूरा फ्लाइट का दिया हुआ है। एंड यहाँ पे एक शायद पेपर्स वगैरह में भी लिखा है, जिसको लैमिनेशन करके इन्होंने यहाँ पे रखा है, कोई चाहे तो उससे भी पढ़ सकता है। और वॉल्स पे तो है ही, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी है जिसे आप प्ले कर सकते हैं और सुन सकते हैं। यहाँ पे एक ऑफिसर थे जिन्होंने ऐसे बियर का गिलास पकड़ा हुआ था। और फिर बस यहाँ पे एक लास्ट ऑफिसर थे, देन यहाँ से बाहर की तरफ को रास्ता था। फिर हम लोग बाहर गए, और ये देख सकते कितना अच्छा लगता है, ऐसे लग रहा है कि अंडरग्राउंड है ये। तो बस उसके बाद बाहर आई तो कितना अच्छा मौसम हो रहा है और ग्रीनरी इतना, तो मन खुश हो गया। और ये तो हर जगह पे होता है, हर मतलब गवर्नमेंट ऑफिस के वगैरह वहाँ पे भी ये ग्रीनरी होती है, ऐसे शेप में पौधों को रखा जाता है, कटिंग वगैरह होती है, अच्छे से मेंटेन किया रहता है। सो ये यहाँ पे भी वही था सेम।
पर अच्छा लग रहा था पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन और मौसम भी अच्छा था, तो हम लोग जरा वहाँ पे बैठे तो एंड फिर हम अंदर काफ़ी टाइम लग गया था तो हम बाहर आ ही चुके थे, क्योंकि सिर्फ मोटिव ये नहीं था ना कि बस घूमने ही जाना है, अब आए थे तो देखना ही था, पढ़ना था उसके बारे में। फिर यहाँ पे एक कबूतर बैठा था, मैं उसे उड़ा दी क्योंकि मुझे कबूतर उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे एक तोप था एंड यहाँ पे लोग थे जो कि कैप्चर कर रहे थे, और ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। इस चीज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे गन पॉइंट था, शायद ये लोग यहाँ पे वो लोगों को मारते होंगे जो जिनसे इनकी लड़ाई हुई थी। एंड बस उसके बाद हम लोग बस अब बाहर की तरफ गए, फिर साइड में बीच था थोड़ा वहाँ गए। सो गाइस, आपने मेरी पहले व्लॉग में देखा होगा, मैंने आपको बीच दिखाया, ओशन बीच दिखाया, और इस वाले में आप देखेंगे म्यूज़ियम गंजी का, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और कैसे बनाया गया है सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में दिखाया। जैसे प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने चाहने वालों के साथ, जिससे कि हर कोई इस चीज़ को देख सके, इसका इंजॉय ले सके। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और तब तक के लिए बाय बाय।